Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. Hello everyone. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थ एंड द एप्पल। ये तो आपको पता ही होगा कि अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनमें कुछ ना कुछ मास है वो एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर अर्थ पे एक एप्पल ट्री है और उससे उस पे लगे हुए एप्पल्स हैं और उसमें से एक एप्पल है वो अर्थ पर आके गिरता है, उस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि एप्पल जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरी है, क्योंकि अर्थ इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है, जिसकी वैल्यू मैथमेटिकली हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से देते हैं, वो है ये, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्टिंग ऑन एप्पल ड्यू टू अर्थ इज एफ ए, फोर्स ऑन एप्पल इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो एप्पल का मास है, जबकि कैपिटल एम जो है वो अर्थ का मास है, और आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, या हम कह सकते हैं अर्थ का रेडियस भी हो सकता है इस केस में, ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि एप्पल भी तो अर्थ पर उतना ही फोर्स एग्जर्ट कर रही है, क्योंकि अर्थ पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर ही होगा, है ना। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, फोर्स ऑन एप्पल और फोर्स ऑन अर्थ, हम दोनों इक्वेशंस को देखते हैं, वी फाइंड दैट इन दोनों में फोर्स की वैल्यू तो सेम है, यानी फोर्स ऑन एप्पल इज इक्वल टू फोर्स ऑन अर्थ। इसका मतलब जितना फोर्स अर्थ एप्पल पे लगाती है उतना ही फोर्स एप्पल अर्थ पे एग्जर्ट कर रही है, दोनों एक दूसरे के एकदम बराबर फोर्स से खींच रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एप्पल तो हमको अर्थ पे गिरता हुआ दिखता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अर्थ हमको एप्पल की तरफ ऊपर मूव करती हुई दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है ना, ओनली एप्पल फॉल्स डाउन। तो उसका रीजन है कि यहां पर जो डिसाइसिव फैक्टर है कि एप्पल नीचे गिरेगा या अर्थ ऊपर मूव करेगा, वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स चाहे दोनों का सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जैसे कि एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल है फोर्स एक्टिंग ऑन एप्पल डिवाइडेड बाय मास ऑफ द एप्पल, यानी एफ ए बाय स्मॉल एम, है ना। जबकि अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा? अर्थ का एक्सेलरेशन भी सेम रूल से होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ। अब यहाँ एफ ए और एफ ई की वैल्यू तो बराबर है, यानी दोनों एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में न्यूमरेटर तो सेम है, इससे तो डिसाइड किससे होता है? डिनोमिनेटर यानी मासेस से डिसाइड होता है कि एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या कम। और जैसे कि हम इस फॉर्मूला में देख सकते हैं कि जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, एक्सेलरेशन मास पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है दोनों का ही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, एंड वाइस वर्सा, है ना। तो इस हिसाब से तो अर्थ का मास एप्पल के मुकाबले बहुत 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 ज्यादा है, या ऐसा कह सकते हैं कि एप्पल का मास अर्थ से बहुत 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 कम है, स्मॉल एम इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एम। तो ऑब्वियसली एप्पल का एक्सेलरेशन अर्थ के एक्सेलरेशन के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली लार्ज होगा, और इसीलिए एप्पल का एक्सेलरेशन हम इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन तो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है जो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं। और यही रीजन है कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से खींच रहे हैं, सेम फोर्स से पुल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एप्पल अर्थ की तरफ गिरती हुई नजर आती है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ मूव करती हुई नजर नहीं आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।